तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है वो थोड़ी अलग होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 9th क्लास की एनसीईआरटी की साइंस की बुक। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 9th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी की बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक लाइन करके बहुत ही डीपली हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहली लाइन जो है वो है, एज़ वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स वी सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप्स साइज एंड टेक्सचर। इसका मतलब है जैसे जैसे हम अपनी सराउंडिंग्स में देखते हैं, हमें डिफरेंट डिफरेंट शेप साइज़ और टेक्सचर की चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं वैरायटीज़ में। नेक्स्ट है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। यानी कि इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो मटेरियल की बनी हुई हैं और साइंटिस्ट ने उन चीज़ों को नाम दिया है मैटर। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये लिखा है मैटर, ठीक है। नेक्स्ट है, द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर। मतलब कि जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि जो हम एयर जो हम ब्रीथ करते हैं, खाना जो हम खाते हैं, स्टोन हो गए, बादल हो गए, स्टार्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, यहाँ तक कि पानी की एक ड्रॉप जो है वो भी पार्टिकल से, मैटर से बनी हुई है। एवरीथिंग इज़ मैटर। वी कैन ऑल्सो सी एज़ वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन्ड अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। और जितनी हमने ऊपर चीज़ें पढ़ी, हमें ये भी पता है कि ये वाली जो चीज़ें हैं वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है और इन सब का कुछ मास भी होता है। दूसरी वर्ड्स में हम इन्हें बोलते हैं मास एंड वॉल्यूम। इन अदर वर्ड्स, दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम।